एक ओर जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी फ्री स्पीच यानी बोलने की आजादी की बात करते हैं और पत्रकारों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर सरकार की आलोचना करते हैं, राहुल गांधी शायद छत्तीसगढ़ में अपनी ही सरकार को फ्री स्पीच का पाठ पढ़ाने में विफल रहे, जिसका जिक्र वह अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। राहुल गांधी ने पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर कथित तौर पर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करने के लिए हमला किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में पत्रकार को व्यंग करने को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर के पत्रकार नीलेश शर्मा को उनके लोकप्रिय राजनीतिक व्यंग के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन पर छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया गया है। नीलेश शर्मा वेब पोर्टल्स इंडिया राइटर्स .com.in और प्रिंट पत्रिका इंडिया राइटर्स के संपादक हैं। वह घुरवा के माटी के नाम से राजनीतिक व्यंग पर आधारित एक लोकप्रिय सीरीज चलाते हैं। सीरीज में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं और विधायकों के काल्पनिक कैरेक्टर को दिखाया जाता है। रायपुर पुलिस ने पत्रकार और राजनीतिक व्यंग्यकार नीलेश शर्मा को कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ निषाद की तरफ से शिकायत कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। निषाद ने अपनी शिकायत में कहा है कि पत्रकार अपने वेब पोर्टल्स इंडिया राइटर्स .com.in पर अपने चर्चित कॉलम घुरवा के माटी के जरिए झूठी खबरें फैला रहे हैं। वह कांग्रेस पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नीलेश वेबसाइट के साथ साथ इंडिया राइटर्स मैगजीन के संपादक भी हैं। रायपुर के सिविल लाइन पुलिस ने पत्रकार नीलेश शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 505 एक बी और 505 दो के तहत केस दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां से कोर्ट ने पत्रकार को जेल भेज दिया। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि निषाद ने पत्रकार पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पक्ष लेने का आरोप लगाया और कहा कि वह गोदी मीडिया का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा अपने को घुरवा के माटी के जरिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने एफआईआर में कहा है कि पोर्टल्स इंडिया राइटर्स .com.in नकारात्मकता फैला रहा है और कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों के बीच मतभेद पैदा कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी वेब पोर्टल्स ने पहले भी एक सीरीज चलाई थी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी सरकार की काफी आलोचना की गई थी। रायपुर के पुलिस अधीक्षक के मुताबिक उन्होंने अफवाहें और फेक न्यूज फैलाने के लिए संबंधित धाराओं के तहत पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। वर्ष 2019 में मणिपुर में हुई एक ऐसी ही घटना में पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को मणिपुर पुलिस ने राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए हिरासत में लिया था। तब राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई सम्मान नहीं है। बता दें, द फ्रंटियर मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र ने मणिपुर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख एस टिकेंद्र सिंह की कोरोना से मौत के बाद फेसबुक पर पोस्ट किया था, गोबर और गोमूत्र काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहले भी एक स्थानीय वेब पोर्टल्स के दो पत्रकारों को कांग्रेस विधायकों से संबंधित भ्रामक और निराधार रिपोर्ट प्रकाशित करने और उनसे पैसा वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के वेंगू से कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह एसएचओ के साथ गाली गलौज कर रहे हैं और उन्हें बर्खास्त कराने की धमकी दे रहे हैं। उनका एक ऑडियो भी सामने आया है। विधूड़ी अतिक्रमण के एक मामले में उनके अनुसार धारा नहीं जोड़ने से नाराज थे। विधूड़ी ने 37 मिनट के ऑडियो में 103 बार गंदी गंदी गालियां दी और भैसोरगढ़ थाना के एसएचओ संजय गुर्जर उनसे गाली नहीं देने की गुजारिश करते रहे। जब विधायक नहीं माने तब उन्होंने फोन काट दिया। बाद में उन्होंने जिले के एसपी को आवेदन पत्र देकर अपना स्थानांतरण पुलिस लाइन करा लिया। हालांकि लाइन में जाने से पहले एसएचओ ने भैसोरगढ़ थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ये ऑडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद संजय गुर्जर ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इसके साथ ही उन्होंने चित्तौड़गढ़ की एसपी प्रीति जैन को आवेदन देकर अपना स्थानांतरण पुलिस लाइन में करा लिया है। गुर्जर का कहना है कि वह पुलिस में गाली सुनने नहीं आए हैं, वह विधायक के दबाव में काम नहीं कर सकते। उधर विधायक राजेंद्र विधूड़ी का कहना है कि उन्होंने थानाधिकारी को गाली नहीं दी और वायरल ऑडियो फर्जी है। उनका कहना है कि वे कभी गाली नहीं देते, उन्हें बदनाम करने के लिए यह काम किया जा रहा है। ऑडियो में विधायक के दबाव पर एसएचओ कहते नजर आ रहे हैं कि गंदी गालियां सुनने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुआ।
जब 420 बी का कोई केस बन ही नहीं रहा तो वे जबरदस्ती कैसे करें। वे कह रहे हैं कि उन्हें भले ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए लेकिन वह गलत काम नहीं करेंगे। अंत में उन्होंने विधायक को गाली नहीं देने के लिए हिदायत दी लेकिन विधायक तब भी नहीं रुके। इस पर SHO ने फोन काट दिया। इस पर विधायक विधुड़ी ने संजय गुर्जर को 15 दिन में बर्खास्त करने की धमकी दी। इस मामले में SP प्रीति जैन का कहना है कि ऑडियो में किसके बारे में बातचीत हो रही है यह पूरी तरह से नहीं पता। रावत भाटा में कोई मामला दर्ज किया गया था जिसकी जांच संजय गुर्जर कर रहे हैं। फाइल मंगाई गई है, इसके बाद ही पता चलेगा कि मामला क्या है। रावत भाटा में रहने वाले एक व्यक्ति की लोठियाना गांव में खेती की जमीन है जिसको लेकर खिलाफ अतिक्रमण के तहत धारा 91 में कार्रवाई चल रही है। इसका मामला भैसोड़गढ़ थाने में दर्ज कराया गया था। इस मामले में यह कहते हुए 420 बी का मामला बनाने का दबाव बनाया जा रहा था कि सरकारी खेती की भूमि को ठेके पर दे दिया गया है। इस मामले में कब्जाधारी संजय वाधवा ने हाईकोर्ट में रिट लगाकर जमानत ले ली। इससे विधायक नाराज हो गए। वाधवा के परिवार के साथ रावत भाटा में भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई तो उसमें भी स्टे मिल गया। खबर है कि शायद इसी बात पर विधायक खफा होकर थानेदार पर धमका रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीच बयानबाजी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के इस बयान पर कि पार्टी के सत्ता में आने पर या तो वह CM बनेंगे या घर बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि CM कौन बनेगा यह राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद अब सरकार बनेगी तो कांग्रेस विधानमंडल दल एवं राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसे जिम्मेदारी सौंपी जानी है। वहीं राज्य के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि राज्य में उनके पार्टी की सरकार बन रही है और जिस पर आला कमान का आशीर्वाद होगा वह राज्य की सत्ता पर काबिज होगा। लिहाजा अब कांग्रेस के CM पद के दावेदार दिल्ली में आला कमान के दरवाजे पहुंचकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जबकि चुनाव से पहले टिकट वितरण के लिए कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में मैराथन बैठकें हुई थी। वहीं अब कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह बीते दिन दिल्ली गए थे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल 7 मार्च को दिल्ली जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि CM की दौड़ में सबसे आगे माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी दिल्ली में बड़े नेताओं से 8 मार्च को मुलाकात कर सकते हैं और इसके लिए वह दिल्ली पहुंचने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों के भीतर कांग्रेस नेताओं का यह दूसरा दिल्ली दौरा होगा और राज्य के नेता आला कमान को बैठकों के जरिए साधने में लगे हैं। राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम CM के पद के लिए सबसे आगे माने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जिस नेता के पास आला कमान का आशीर्वाद होगा वह राज्य का CM बनेगा। वहीं प्रीतम सिंह के साथ राज्य प्रभारी देवेंद्र यादव समेत कई नेताओं का समर्थन है। वहीं हरीश रावत के बारे में कहा जाता है कि वह गांधी परिवार के करीबी हैं। हालांकि दिल्ली दौरे को लेकर हो रही चर्चा के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मतगणना को लेकर शीर्ष नेताओं से चर्चा की जा रही है और इसके कारण नेता दिल्ली जा रहे हैं। मतगणना नजदीक होने के कारण मतगणना की रणनीति पर बैठकें हो रही है और ये बैठकें दिल्ली में है, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर नेता दिल्ली में एक साथ मिल जाते हैं। गोदियाल का कहना है कि मतगणना को लेकर सभी प्रत्याशियों एवं जिला महानगर पदाधिकारियों को गाइडलाइन जारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।